हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि कोई संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से 1 करोड़ तक की संख्या लिखते हैं और उस शब्दों में और अंकों में हम उसका बारे में अध्ययन किया था इसके अंदर। चलिए अब वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे बने रहिए। रेट की कंप्लीट तैयारी आपको इसमें करवाई जाएगी और 30 में से 30 नंबर की। देखिए अपना यहाँ पर जो है अपना स्थानीय मान और जातीय मान दो चीज़ें हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि आपका कोई लड़का है, छोटा है, फिर बड़ा होता है और जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो रीट की इसकी तैयारी की और अध्यापक बन, ठीक है, फिर और तैयारी की वरिष्ठ अध्यापक बन गया। व्यक्ति तैयारी करता है ये प्रधानाचार्य बन जाता है। लेकिन देखिए यहां पे क्या है, यहां अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक बना तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, स्थान इसका बदल गया और इसकी वैल्यू बढ़ गई। इसके बाद यह व्यक्ति बना, फिर इसकी वैल्यू यहां पे बढ़ गई, प्रधानाचार्य बना, इसकी फिर भी वैल्यू और बढ़ती गई, यहां अधिक लोगों से संपर्क होने लगा, इसका मान सम्मान सब कुछ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये घर पे आता है, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में वही जो इसका नाम जैसे एक्स है, एक्स रख लेते हैं, जैसे मोती है, यहां मोती सर, मोती सर, मोती जी सर, मोती जी प्रिंसिपल सर, यहाँ घर पर आते क्या एक्स है तो एक्स रहेंगे, मोती रहे मोती धरा, इस प्रकार से बुलाएंगे। तो इसका मतलब है स्थान के अनुसार कोई भी संख्या का मान बदलता है वो आपका स्थानीय मान कहलाता है। और अपने जो जातीय मान जो होता है हर एक संख्या का निश्चित है, केवल 4 है तो 4 का जातीय मान, यानी जिसका मान कहीं नहीं बदलता, ये कहीं पे भी जाए घर पे आते ही एक्स ही रहेगा, यानी 4 है तो 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। अब स्थानीय मान और जातीय मान दोनों में क्या फर्क है ये अपन देखते हैं। ये मान अपना इसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान जो है उसको हम फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये स्थान के हिसाब से प्लेसेशन स्थान होता है, इसलिए इसको प्लेस वैल्यू, और ये मूल आदमी जितना है, जैसा जितना मान है उतना है, इसलिए इसको फेस वैल्यू हम कहते हैं। अब फेस वैल्यू 0 एकमात्र ऐसी संख्या है, 0, जिसका जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। जातीय मान भी यही होगा और स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही 0 के 0 ही होते हैं। अब हम चलते हैं कि जातीय स्थानीय मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ये 1 है, इसको हम लिखते हैं 1×10^0=1। अब इसका मतलब होता है, देखिए हमने पहले जाना है, कोई भी संख्या होती है उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी, इस 2 की, ये 2 लिखते हैं × 10^0, ये 1 और दूसरे नंबर पे है, 0 से चालू हुई फिर 1 आएगा, या 1 इसका मतलब ये हो गया आपके पास दाही पे है, इसका स्थानीय मान जो है आपका 20 होगा। इसके बाद अपने पास चलते हैं इस तीसरे नंबर पे, जिसे हम सैकड़ा के नाम से जानते हैं, हम सैकड़ा को लिखते हैं, ये सैकड़ा में जैसे 3 है, मैंने 3 लिखा, या 10 × या आपकी घात 2 हो गई, 0, 1 और 2, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया, इसके लिखते हैं अपने पास 3×100 बराबर ये आपकी 300 हो गई। इस प्रकार से इसकी आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 4 की ज्ञात करते हैं, तो ये आपका 4×10^0, 1, 2, 3, यानी इसके बाद आपकी 3 संख्या है, तो
आपकी यहाँ पे क्या क्या लग जाएगी, 3 लग जाएगी। और इस प्रकार से जिस प्रकार ये 4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 3 जीरो लगाने हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार हम 5 की लिखेंगे, 5 × 10^4 यानी आपका सीधा सीधा 4 जीरो लग जाएगा, ये आपका 50,000 हो गया। इस प्रकार से ये आपका बेसिक कंसेप्ट है जिसे आप स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अब लेकिन इसमें क्या समय लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप स्थानीय मान निकालते जाएंगे लेकिन इतना समय नहीं मिलता। हमें फर्स्ट तरीके से हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको जैसे 7 है, 7 का स्थानीय मान, ठीक है, बराबर 7 लिखेंगे और उसके बाद आपको सीधा से क्या करना है, इसके आगे कितनी संख्या उसको गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको यहां पे 6 जीरो लगा देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे हम 3 का लेते हैं, 3 का स्थानीय मान बराबर आपका 3 ये लिखा, एक संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, ये देखिए 300 आया, इधर भी आपका 3 का स्थानीय मान क्या है, ये 300 है। ये बहुत फास्ट ट्रिक से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं एक का और लिख के बताता हूं, जैसे 5 का स्थानीय मान, ठीक है दोस्तों, बराबर 5 लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद गिनती कर लेंगे, इसके बाद कितने अंक है, 1, 2, 3 और 4, देखिए 1, 2, 3 और 4 यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000 है, ये देखिए आपका ये यहाँ पे 50,000। बहुत फास्ट तरीके से हमने इसका स्थानीय मान ज्ञात कर लिया। लेकिन अब देखिए आपको जातीय मान ज्ञात करना है, कोई भी संख्या जैसे 7 का जातीय मान बराबर आपका 7 ही होता है, कोई भी संख्या हो उसका जातीय मान हमेशा वही रहता है जितनी वो संख्या होती है, केवल मात्र शून्य जिसे हम जीरो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा जीरो ही होगा, शून्य ही होगा। बाकी स्थानीय मान संख्या जैसे ही जगह बदलेगी तो प्लेस वैल्यू बदलती जाएगी, स्थानीय मान बदलता जाएगा, लेकिन फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। जैसा मैंने उदाहरण में बताया था, एक्स या मोतीलाल जिसको नाम दे देते हैं, वो घर पे जैसा ही जैसा है वैसा ही रहता है, बाहर जाने के बाद रुतव बदल जाते हैं। जैसे अपना एक और संख्या लेते हैं, जैसे 8,903, इसमें जैसे 9 का स्थानीय मान बराबर 9 लिखेंगे, इसके आगे गिनती करिए 1 और 2 तो 2 जीरो लगा दिया। 8 का स्थानीय मान बराबर 8 लिखा, आगे 1, 2 और 3 ये 3 जीरो लगा दिए, स्थानीय मान तो ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं जातीय मान की, यानी 9 का 9, ठीक है, जबकि स्थानीय मान इसका 900 है। उसी प्रकार 8 का हमने स्थानीय मान ज्ञात किया, ये 8,000 आया, लेकिन 8 का जातीय मान क्या आया आपके पास, 8 है। ये तो तीन संख्याएं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कोई दूसरी संख्या, दशमलव की संख्या की बात करते हैं, जैसे 5, 3, 2, ये दशमलव संख्याएं हैं, हम इनका किस प्रकार से स्थानीय मान लिखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये आपकी जैसे रेखा है, ये 0 है या 1, 2, 3 -1, -2, -3, ठीक है दोस्त। दशमलव के बाद पहली संख्या होती है उसको हम दशांश के नाम से जानते हैं, दूसरी संख्या होती है दूसरे नंबर की उसको हम शतांश के नाम से जानते हैं, और तीसरी संख्या हजारवें स्थान पे होती है तो इसको सहस्रांश के नाम से जाना जाता है। अब हम इनका स्थानीय मान किस प्रकार से लिखते हैं वो हमें देखना है। देखिए हमें जैसे हमने घात के रूप में लिखा था तो हमारे पास क्या है, जैसे दशमलव के बाद का लिखना है तो 5, ये क्या 0 के बाद की संख्या आती है,
तो यहां पहली संख्या है इसलिए माइनस एक लिखा, ठीक है। इसका मतलब होता है 5 × 1/10, इसका मतलब होता है 5/10, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब दूसरे नंबर की ध्यान से सुनना, ये जीरो के बाद माइनस 3 का स्थानीय मान, ठीक है दोस्तों, 3 × या माइनस आएगा या माइनस 2 आएगा का, इसी को हम आगे लिखते हैं 3 × 1/10^2 यानी 3/100। इस प्रकार से इसका स्थानीय मान हो गया 3/100, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अब 2 का स्थानीय मान बराबर आपका 2 × 10^-3 इज इक्वल टू 2 × 1/10^3 2/10^2, 1000, ठीक है ना, ये आपका हो गया। ये इस प्रकार गति से हम किस प्रकार से, क्योंकि ये तो आपका कंसेप्ट था कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे इस संख्या का 5 का तेज गति से इसका स्थानीय मान लिखना है, आप क्या करेंगे, जैसे 5 का स्थानीय मान लिखना है, ये दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं अपन, है ना, 5 का देखिए अपना दशमलव के बाद की बात करते हैं, 0.5, 5 का स्थानीय मान आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और इसके 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये दशमलव के बाद गिनती करेंगे कितने नंबर पे आ रहा है, हमारा यहां पे 3, हम 3 लिखेंगे, नीचे 1 लिखा, ठीक है। अब गिनती करेंगे 1 और 2 यानी कि 2 स्थान, तो हमारे को यहां क्या करना, 2 0 लगाने हैं, ये आपका दशमलव के बाद दूसरे अंक का स्थानीय मान हो गया। हम 3 की बात 2 की बात कर रहे हैं, 2 नीचे 1 लिख दिया, हर में गिनती करें 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पे है, तो यहां पे 3 0 लगा देंगे। इस प्रकार दशमलव के बाद की संख्या का स्थानीय मान याद हो गया। यानी सुनिएगा, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 5 दशमलव के बाद पहली संख्या है, 5 लिखा, 1 लिख के 1 0 लगा दिया, दशमलव के बाद 3 दूसरे नंबर पे 3 है, 3 लिखा बटे में 1 लिखा और दूसरे नंबर की संख्या है, 2 0 लगा दिया, फिर आपका 2 लिखा, 2 जो तीसरे नंबर पे 1 2 3 नंबर पे है, तो 2 के नीचे 1 लिखा और 3 0 लगा दिया। लेकिन ये आपका क्या बेसिक कंसेप्ट था, आधारभूत जातीय मान स्थानीय मान। अब इस प्रकार के प्रश्न आजकल देते, अब हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अपना जो सवाल है कि 7635 में 6 व 5 के स्थानीय मान का अंतर याद करना, ठीक है ना, ये पहला हम जो करते हैं, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर अपने पास, देखिए हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, 6 लिखा जिसके आगे 2 संख्या है, गिनती करेंगे 1 और 2, तो 2 0 लगा दिया, ठीक है। उसी प्रकार 5 का स्थानीय मान आपके पास देखो ये इकाई पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या रहेगा, केवल 5। अब इसका अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, माइनस करेंगे, ये आपके पास आ गया 5, ये 9 और ये 5, आपका जो आंसर होगा वो 595 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये दूसरा सवाल जो हम उदाहरण करते हैं, इसमें कहा है कि 6 का स्थानीय मान, ये 6 लिखा इसके आगे 2 संख्या है, 2 0 लगा दी, 3 का स्थानीय मान, यहां अपने पास 3 है, ये 3 लिख दिया, इसके आगे गिनती करने 1 संख्या है और मैंने 3 लिखे, इसके आगे 1 0 लगा दिया, इस प्रकार से ये संख्या हो गई। अब इसका योग ज्ञात करना, ठीक है ना, इसने कहा इसका योग ज्ञात कीजिए, जोड़ेंगे 0, 3 और 6, 630 इसका योग हो गया। हम दोस्तों अपना अगला उदाहरण देखते हैं कि सवाल कहता है संख्या 6432 में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अपना सीधा सा है कि 4 का स्थानीय मान यहां 4 लिखा,
और चार के आगे दो संख्या की गिनती करेंगे, हम दो जीरो लगा देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो गया और ये 400 हो गया। चार का जातीय मान बराबर, हमेशा ध्यान रखिए कोई भी संख्या है उसका जातीय मान वही संख्या होती है, कभी नहीं बदलती है। जैसे ये आपका है 4 है, अब इनका अंतर क्या है, इनका अंतर लिखेंगे तो अपने सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये उधार लेंगे, जीरो में से 4 बाकी निकल गया, यहां से उधार, यहां पे भी नहीं है, यहां से उधार, तो यहां से उधार लिया, यहां तो बच गया 3, या 10 हो गया, 10 में से एक इधर उधार दे दिया, यहां बच गया 9, और 10 में से आपके पास 4 गए तो ये 6, यहां आपके पास 9 और यहां आपके पास 3, इस प्रकार से आपके पास 396 हो गए, 96 हो गए। अब इस ये कह देता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए, तब योग में आपको क्या करेंगे, सीधा सा आप क्या करेंगे, 400 प्लस 4, यानी 4 0 4, यानी 404 इसका योग आ गया। अब कुछ सवाल हम ऐसे देखते हैं जो कंपटीशन में पहले आए हुए, जैसे रीट में है, सीटेट में है, उसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो साथियों अपना जो अगला उदाहरण है वो सीटेट L1 फरवरी 2016 में आया हुआ है, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। यदि संख्या 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7, यहाँ खाली स्थान छोड़ देगा तो रिक्त स्थान में संख्या है वो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अपने को जो सही है वो चुनना है। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना है इसमें 5 का स्थानीय मान बराबर 5 लिखा, 1 2 3, तो ये 3 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद प्लस ये आपके पास में 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर आप 6 लिखेंगे और ये 6 लिखा, उसके बाद आपके पास 6 के बाद एक और दो संख्या है, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ये चीज हमने ज्ञात कर ली। अब प्रश्न के अनुसार लिखते हैं कि प्रश्न कहता है कि ये 5,201 में 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 × यहां हमें कुछ लिखना है, तो 5 का आपके पास 5,000 हो गया प्लस 6 का आपका 600 हो गया। ठीक है दोस्त, अब इनको जोड़ते हैं, ये 5,600 हो गया, इधर 7 × x हो गया और x बराबर अपने पास 5,600, ये 7 इसके नीचे बटे में चला जाएगा और 7 का भाग इसमें देते हैं तो 7 × 8 = 56 और 6 = 0 बचा है और 2 0 बचेंगे, 2 0 बार भाग जाएगा, अपना आंसर क्या आएगा, 800। यानी इसमें हमें देखना है अपने पास डी है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ओमार सीट के अंदर आपको या तो टिक करने लिए टिक करेंगे या गोला काला 4 पे कर देंगे। हाँ तो साथियों हम अगले उदाहरण पे चलते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए सवाल आपका कि संख्या 6,251, यानी 6,251, दूसरी आपके पास 6,521, तीसरी 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये सीटेट L1 2015 में फरवरी में आया हुआ है। हम हाँ तो देखिए अपनी संख्या 3 है, 6,551, 6,551, 6,521, 6,521, 5,621, 5,621। अब इस संख्या में, संख्या 6,551 में 5 का स्थानीय मान, तो अपना सीधा है ये 5 लिखा, 5 के बाद एक संख्या है तो हम 1 0 इस प्रकार से 5 लिखे, 1 0 उसके पीछे लगा देते हैं। अब संख्या 6,521 में 5 का स्थानीय मान जिसका पूछा है उसका आप पहले 5 लिख लो और उसके बाद कितनी संख्या उसको जोड़ लिया आपने, ये आपके पास 0 0 हो गया और इसका लिखा ये 5 लिखा और इसके बाद 1 2 3 3 0 लगा दिया इस प्रकार से। अब इसने कहा इसका योगफल ज्ञात करना है, इसको जोड़ लीजिए 0
ये पांच, ये पांच और ये पांच, इस प्रकार से 5,550 आपका आंसर है, जो यहां आपका यहां नहीं ये वाला सी, ये आपका राइट आंसर है। और आपका आंसर क्या जाएगा? 3। इसको ही और मार्कशीट में गोला लगाना। कंपटीशन में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आप सीधा लिखिए। देखिए ये संख्या है आपका, इसका 50 लिखा, फिर इसका आपका 500 लिखा, फिर इसका ये 5,000 लिखा और ये 0,5,5,5,5। ये आप कंपटीशन में करने का तरीका, ये बेसिक कंसेप्ट कैसा था वो बताया। और ये फास्ट तेज गति से करना, आपको तेज गति से करना है क्योंकि कंपटीशन के में समय नहीं मिलता है, इसलिए फास्ट करके ये जोड़ के आंसर 3 और ये वो हमारे शीट में आपको भर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।